गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो, आज हम पढ़ाएंगे वॉइसेस एंड दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर द 10th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास एंड 12th क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी शैल रीड अबाउट वॉइस। वॉइस जो है दो तरह की होती है, दो तरह की वॉइस होती है। वन इज एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव। सेकेंड इज पैसिव। क्या होता है, एक्टिव वॉइस में फोकस इज ऑन, फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द सब्जेक्ट। या ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में इम्पोर्टेंट क्या होता है, व्हाट द सब्जेक्ट डज, करता क्या करता है, इस पर जोर दिया जाता है। जबकि पैसिव वॉइस में फोकस इज ऑन द, फोकस इज ऑन द वर्क। क्या होता है, फोकस इज ऑन द वर्क। पैसिव वॉइस में फोकस जो है वो वर्क पे दिया जाता है बजाय सब्जेक्ट के। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर सब्जेक्टिव फॉर्म में एंड सब्जेक्ट जो है ये इधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और वर्ब जो है वो अपनी जगह पे रहेगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस देन वर्ब। कुछ चेंजेस वर्ब में भी होते हैं जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। देन बाय, देन सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इतना क्लियर हो गया, सब्जेक्ट को हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में, एंड वर्ब यहीं पर रहती है और कुछ चेंजेस होते हैं जैसे अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, एग्जांपल एक सेंटेंस है, राम प्लेज क्रिकेट। अब इसमें क्या है, राम सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, वर्ब प्ले हो गया एंड क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम चेंज करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट जो है इधर आ जाएगा क्रिकेट, वर्ब में कुछ चेंजेस होंगे अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इज, एंड इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करते हैं। क्रिकेट इज प्लेड एंड बाय, देन सब्जेक्ट क्या है, राम। ये चेंजेस हैं, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था एंड ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। फिर से एक बार देखते हैं, एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब चेंज करते हैं इसे तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड वर्ब वहीं पर होती है, बट देयर आर सम चेंजेस इन द वर्ब। स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल रीड सम चेंजेस इन द वर्ब इन एक्टिव वॉइस। कुछ थोड़े से चेंजेस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक्टिव एंड पैसिव।
एक्टिव एंड पैसिव. यू कैन मेक अ टेबल. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ई एस. डू और डज. इन एक्टिव वॉइस अगर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, डू या डज यूज किया गया है. पैसिव वॉइस में यू शैल यूज इज, यू विल यूज इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इतना ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, एस या ई एस दिया हो, या डू या डज दिया है, तो आप पैसिव वॉइस में वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एज सेंटेंस है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट. चेंज करेंगे क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय राम. फिर से एक बार देखिए, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, डू या डज अगर दिया हो, डज दिया हुआ है सेंटेंस में, देन वी शैल चेंज इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्रिकेट. अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ एम हो जाता. देन सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और डिड. इन एक्टिव वॉइस व्हेन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डिड इज यूज्ड, देन इन पैसिव वॉइस यू शैल यूज वॉज ऑब्लिक वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस. You will change was and were and third form of the verb. Next is am, are, was, were with first form of the verb with ing. ध्यान रखिए ing ये most important है. Is, am, are, was, were साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी फॉर्म अगर यूज है, चेंज करेंगे इज एम आर, सेम रहेगा इज एम आर, वॉज वर प्लस बींग. जब आई एन जी फॉर्म यूज होगी तो बींग यूज किया जाएगा, एंड एज ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Then has, have. When active voice में जब has, have, had use किया जाए तो passive voice में has, have, had plus been. Been का यूज करते हैं, एंड एज ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिर से एक बार देखते हैं, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, डू डस दिया हो, इज, एम, आर, देन थर्ड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म और डिड दिया है तो वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म. इज, एम, आर, वॉज वर प्लस आई एन जी फॉर्म, अगर आई एन जी वर्ब में आई एन जी फॉर्म दिया है तो यूज़ करेंगे बींग. हैज़, हैव, हैड यूज़ किया गया है, देन यूज़ करेंगे बीन. आफ्टर दैट विल, शैल, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट,
इन सब के साथ आपको यूज़ करना है बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस का मेन जो है चेंजेस जो होते हैं वो वर्ब फॉर्म में ही होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस में आप इसे भी एक टेबल के थ्रू समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट आई होगा, पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं मी, और मी अगर होता है तो सब्जेक्ट उसे बना देते हैं आई। ही को चेंज करते हैं हिम में, शी को चेंज किया जाता है हर में, दे को चेंज करते हैं देम में, वी को चेंज करते हैं अस में, एंड यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। अब इन्हीं चेंजेस को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इधर एक्टिव, इधर बनाते हैं पैसिव। देखिए, एक्टिव सबसे पहले सेंटेंस एक लिखते हैं, शी प्लेज। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ये लिख चुके हैं, शी सिंग्स अ सॉन्ग। पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज, एस या ई एस लगा है इसलिए इज, अ सॉन्ग इज संग, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग बाय। अभी जैसा कि बताया था, शी विल बी चेंज इनटू हर। इसी को पास्ट में बनाते हैं, शी सैंग अ सॉन्ग। पैसिव में चेंज करेंगे, अ सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और जैसा कि पीछे बता चुके हैं कि जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो वर्ब वॉज या वर्ब में चेंज होती है। सॉन्ग अ सॉन्ग है इसलिए सिंगुलर वर्ब है, अ सॉन्ग वॉज संग बाई शी का ऑब्जेक्ट हर। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी बताया था, तो जब चेंज करेंगे अ सॉन्ग इज, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको वॉज में चेंज करते हैं, उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद आ जाता है, तो क्या करेंगे, अ सॉन्ग इज और आई एन जी फॉर्म जब भी हो तो बींग, अ सॉन्ग इज बींग संग बाई हर। इसी को अगर वॉज वर्ब में पास्ट कंटिन्यूअस में बना दें, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। चेंज करेंगे, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाई हर। देन स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज संग अ सॉन्ग। देखिए, ये हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, हैज हैव हैड जब यूज होता है
अ सॉन्ग हैज, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, हैज को हैड में चेंज करने की कोशिश करते हैं. तो क्या करेंगे, हैज इसे चेंज नहीं करेंगे, इसके साथ हम यूज करते हैं बीन. अ सॉन्ग हैज बीन संग बाई हर. देन अगर हैड होगा यहाँ पे तब भी हैड ही रहेगा एंड बीन. आई एम नॉट गोइंग टू राइट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. देन फ्यूचर में क्या करेंगे, शी विल सिंग अ सॉन्ग, चेंज करेंगे, अ सॉन्ग विल वी शैल यूज बी, द सॉन्ग विल बी संग बाई हर. तो ये स्टूडेंट्स क्या थे, जिन्हें कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे ये, और एक्टिव पैसिव वाइज अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे. कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे हाउ यू कैन चेंज पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. दैट्स ऑल फॉर टुडे.